दोस्तों नमस्कार। एक्सेल में 100 माइनस 20 प्रतिशत इक्वल टू 80 के लिए फॉर्मूला किस प्रकार बनाएं, यानी परसेंटेज वाले नंबर को नॉन परसेंटेज वाले नंबर से माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें, इसके लिए एक्सेल का फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा, आइए सीखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक नई शीट पर। नई शीट पे हम आए, यहाँ पर हम पहले अपना प्रश्न लिख लेते हैं। 100 माइनस 20% इक्वल टू, हमें नहीं पता कितना आएगा, हम निकाल के यहाँ देखेंगे। और नेक्स्ट है 100 प्लस 20% इक्वल टू, अगला है 100 मल्टीप्लाई 20% इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20% इक्वल टू। इसमें हमने 100 वैल्यू ली है, आप कोई भी वैल्यू बदल करके ले सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में सीख रहे हैं किस प्रकार से माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है परसेंटेज के साथ। यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, यह हमारी फर्स्ट वैल्यू है, 20% का आप निशान लगा दें और यहाँ पर आउटपुट आएगी इक्वल करके। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं, एक जैसे यहाँ पे निशान के लिए माइनस का निशान लगा दिया, अब यहाँ पर आउटपुट के लिए हम इक्वल टू भी शो कर देंगे। और यहां पर आउटपुट आए, आउटपुट इस प्रकार आप पहले लिख लें, यह हमने लिख लिया। उसके बाद हम यहां पर आउटपुट देंगे इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से होगा, इक्वल टू किया उसके बाद बी टू किया, उसके बाद माइनस का निशान लगाया, फिर ब्रैकेट आपने शुरू किया, फिर उसके बाद फिर बी टू किया मल्टीप्लाई बाय 20% वाले सेल यानी डी टू का, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, हमारा 80 निकल के आ गया। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है, इतना साफ कर लेंगे तो आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया। इसे देख लें, B2 यानी 100 माइनस यहाँ से नहीं लिया हमने, हमने क्या किया खुद फॉर्मूला में डाला है, और उसके बाद ब्रैकेट में B2 यानी यही फिर से इसका कितना निकालना है, 20% निकालना है, और वो 20% निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, परसेंटेज यहाँ ऑलरेडी है, अगर परसेंटेज नहीं होता तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, और उसके बाद आप एंटर करेंगे। हुआ क्या, पहले 100 का 20% निकला, फिर उसको हमने 100 में से माइनस किया तो 80 आ गया। अब इसी प्रकार से आप इस पूरे को नीचे तक ड्रैग कर दें, अब यहाँ पर प्लस का निशान आप लगा दें, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई का निशान लगा देना, यहाँ पर आपने डिवीजन का निशान लगा देना है। निशान लगाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी कॉमा साथ में यूज कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 100 वैल्यू है, तो 100 को आपने इसी प्रकार से 100 कर देना है। अब यहाँ सेकंड में फॉर्मूले में आए और यहाँ पर माइनस की जगह आपने प्लस कर देना है, और इसमें आपने माइनस की जगह जो है मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें आपने माइनस की जगह पर डिवीजन कर देना है इस प्रकार से। अब देखिए वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज बढ़ी हुई है, आप इसको 20 कर देंगे तो बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। आप देख सकते हैं 100 माइनस 20% ऑफ 100 80 ही होता है, प्लस करने पे 120 होगा, 100 का 20% 20 होता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2000 होगा, 100 का 20% 20 होता है, उससे उसको डिवाइड करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो फॉर्मूला इन सेल्स में है, ये आपको दिखाने के लिए है, और ये हमारे प्रश्न थे, और आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक्सेल में बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। अब आप वैल्यू बदल कर देख सकते हैं, 200 का 20% उसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा। अब यहाँ पे हमने 500 कर दिया तो 500 का है, जरूरी नहीं 20, आप 10% कर लीजिए। आप एक बार फॉर्मूला बना दें, उसके बाद आप वैल्यू जो भी चाहे जहाँ भी बदल सकते हैं, वो अपने आप ऑटो रिकैलकुलेट करेगा और आपको सही आंसर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।